हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे डायलिसिस एडिक्वेसी के बारे में। डायलिसिस एडिक्वेसी से मतलब है कि किसी मरीज को पर्याप्त डायलिसिस देना, जिससे यूरेमिया के लक्षणों को मिनिमाइज किया जा सके। यूरेमिया के सिम्टम्स होते हैं नोजिया, वॉमिटिंग, फटीग, लॉस ऑफ एपेटाइट एट्सेट्रा। एडिक्वेट डायलिसिस हुई है या नहीं यह पता लगाने के लिए हमारे पास दो टूल्स होते हैं, एक KTBP और दूसरा URR यानी यूरिया रिडक्शन रेशो। KTBP हमें डायलिसिस कंप्लीट होने के बाद मशीन से पता चलता है। KTBP में K का मतलब होता है क्लियरेंस, T का मतलब होता है टाइम और V का मतलब होता है वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरिया। एडिक्वेट डायलिसिस मापने के लिए KTBP की वैल्यू 1.2 से 1.4 के बीच आनी चाहिए। अगर वैल्यू इससे कम आती है तो इसका मतलब है डायलिसिस एडिक्वेट नहीं हुई है। एडिक्वेट डायलिसिस को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लड पंप की स्पीड, डायलिसेट फ्लो, डायलिसिस ड्यूरेशन, वास्कुलर एक्सेस और डायलाइजर। अब बात करते हैं URR के बारे में, यानी यूरिया रिडक्शन रेशो। पता लगाने के लिए मरीज का प्री डायलिसिस और पोस्ट डायलिसिस ब्लड टेस्ट करवाना होता है, जिससे पता लगाया जा सके कि पर्टिकुलर डायलिसिस में कितना यूरिया रिड्यूस हुआ है। अब बात करते हैं एडिक्वेट डायलिसिस के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले, एडिक्वेट डायलिसिस मिलने से मरीज को भूख अच्छी लगती है। दूसरा, शरीर में न्यूट्रिशन बैलेंस होता है। तीसरा, नोजिया और वॉमिटिंग कम होती है। चौथा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑन डायलिसिस अच्छी होती है। अब बात करते हैं इनएडिक्वेट डायलिसिस के डिसएडवांटेजेस के बारे में। इनएडिक्वेट डायलिसिस से मरीज को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूख ना लगना, थकान महसूस होना, नोजिया और वॉमिटिंग, शरीर में कमजोरी आना। एडिक्वेट डायलिसिस करने के लिए ज़रूरी कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले, मरीज़ का डायलिसिस ड्यूरेशन 4 घंटे या जितना डॉक्टर ने रिकमेंड किया है उतना होना चाहिए। दूसरा, ब्लड पंप की स्पीड अच्छी रखें। अगर एक्सेस से ब्लड का फ्लो अच्छा आ रहा है और मरीज़ को कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि कोई कार्डिक इशू अगर नहीं है। नंबर 3, डायलिसेट की स्पीड ब्लड पंप की स्पीड से 2 गुना रखें। नंबर 4, डायलाइजर जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसका फाइबर बंडल वॉल्यूम 80% से ज़्यादा होना चाहिए। इन सब बातों का ध्यान रखकर हम मरीज़ को एडिक्वेट डायलिसिस दे सकते हैं।